मोहसिन अजीज साहब, मैं पहले आपकी तरफ आऊँगा। ये जो फवाद चौधरी साहब ने तो इशारा दे दिया था 18वीं तरमीम के कुछ कंपोनेंट्स को रोल बैक किया जाएगा, तालीम है, सेहत, हायर एजुकेशन है, तो अब तो जरदारी साहब यही बात करें कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के लिए सारा कुछ हो रहा है, तो ये कुछ लिंक्स तो जुड़ रहे हैं फिर इस तरह के आपके वुजरा के बयान से ही। मैं फिर यहाँ बात करता हूँ कि ये तो आप लोग वुजरा के बयान की बात करते हैं, उसमें मैं भी उसमें शामिल हूँ। एक्चुअली 18वीं तरमीम खुदा ना खास्ता कोई सहीफ़ा खुदा से नहीं है, उसको उस पर डिस्कशन हो सकती है, उसके जो प्रोज एंड कॉन्स है उस पर डिस्कशन हो सकती है, ये कोई इतनी अजूबे की बात नहीं है। हेल्थ को आप देखें, एजुकेशन को आप देखें, तो मैं समझता हूँ ये 18वीं तरामीम की वजह से उसको एक डेंट मिला है, क्योंकि जहाँ मेडिसन्स हैं कहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं, कहाँ सेल हो रही हैं। इसी तरीके से निसाब को आप देखें, निसाब कहाँ का कहाँ चला गया। इसी तरीके से आप टूरिज़म को देखें, उसमें प्रॉब्लम्स हैं। बात तो यह है कि देखिए, उसका जो मेन चीज़ है 18वीं तरामीम की, वो NFC अवार्ड है। NFC अवार्ड आज से 4 साल पहले होना था, 2014 में NFC के अवार्ड होना चाहिए था। सेकंड अवार्ड जो है वो उस वक्त से आज दिन तक 2018 आ गया, वो आज दिन तक नहीं हुआ। बात तो इस पर करनी चाहिए कि ये जो पिछली हुकूमत गुजरी है, क्यों इतना टाइम गुजरा कि 4 साल वो हुकूमत रही, और वो पूरे 5 साल रही, लेकिन तकरीबन 4 साल उसके वो रहे कि जहाँ पे NFC अवार्ड होना चाहिए था, क्या वजूहत थी कि ये अवार्ड नहीं हुए।